हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर। द टॉपिक इज यूडीपी एप्लीकेशंस। यूडीपी हमने देखा कि इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, मतलब ये कनेक्शंस नहीं बनाता, डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर करता है। लेकिन टीसीपी हमेशा कनेक्शन बनाने के बाद ही डेटा को ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से जो यूडीपी में प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि कनेक्शन ना बनाने की वजह से एक तो अनरिलायबल है, दूसरा क्या है कि जो पैकेट्स है वो सिंक्रोनाइज नहीं होते, बिकॉज देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन इन द हेडर फील्ड। तो यानी पैकेट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर भी पहुंच सकते हैं और हो सकता है एक दो पैकेट जो है बीच में लॉस भी हो जाए। तो हम कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं मेजरली जो यूडीपी को यूज करेंगी रादर देन द टीसीपी, तो उन एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज द क्वेरी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, मतलब ऐसी एप्लीकेशंस जो क्वेरी रिस्पॉन्स की पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है, मतलब वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई, मतलब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मतलब मैं एक क्वेरी कर रहा हूं और वहां से मेरे को आंसर आ जाए। तो इस टाइप की एप्लीकेशन जहां पे मेरे को कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देखा जाए तो डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, जहां पे हम अगर मैं अपने ब्राउजर पे कोई भी डोमेन नेम लिख रहा हूं, बिकॉज हम जनरली डोमेन्स को याद रखते हैं, आईपी एड्रेसेस को याद रखना इट इज वेरी टफ। तो अगर मैं एक डोमेन नेम लिख रहा हूं तो वो डोमेन नेम सबसे पहले कहां पे जाएगी, डीएनएस सर्वर के पास जाएगी, उस डोमेन नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आईपी एड्रेस है वो मेरे पास आ जाएगा। तो इस चीज के लिए मेरे को कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम मतलब हम वहां पे क्या चाह रहे हैं कि मैं सिंपली एक ब्राउजर पे लिख रहा हूं, लेट्स से google.com। अब google.com लिखते टाइम मैं ये नहीं सोच रहा कि पहले कनेक्शन बने, कनेक्शन बनने के बाद वो मेरे पास डेटा आए, वहां पे मैं सिंपली चाह रहा हूं, मैं सिंपली एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ गूगल, तो वो मेरे को रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ गूगल। तो जहां पे भी वन रिक्वेस्ट वन रिप्लाई का फंडा यूज होगा वहां पे हम यूज करेंगे यूडीपी को। और क्यों, बिकॉज ये लेस ओवरहेड पे काम करता है, ओवरहेड ही नहीं है, मतलब ओवरहेड का मतलब जो हम डेटा सेंड करते हैं उस डेटा के साथ जो ओवरहेड क्या है वो है हेडर, मतलब नॉर्मल डेटा तो सेंड करना ही है, उस डेटा के साथ मैंने ओवरहेड क्या लगा दी, हेडर, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या लगा दी, हेडर। टीसीपी कितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगाता है, टीसीपी के हेडर में अगर आप देखें तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जो टीसीपी ऐड करता है डेटा के साथ, लेकिन यूडीपी सिर्फ चार चीजें हैं जो ऐड करता है, जिसमें से चेकसम तो मैंडेटरी फील्ड ही नहीं है, मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो तीन फील्ड्स ही हैं जो यूडीपी ऐड करता है डेटा के साथ, जिसकी वजह से ओवरहेड जो है वो यूडीपी में बहुत कम है एज कंपेयर टू द टीसीपी। डीएनएस के अलावा डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल भी यूज करता है इसी मेथड को। उसमें हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास मैक एड्रेस है लेकिन बाय चांस अगर मेरे को आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा तो मैं बोलूंगा कि माय मैक एड्रेस इज दिस, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, मतलब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं और वहां पे मेरे को आंसर आ जाए। क्वेश्चन पूछने से पहले मैं यहां पे कोई कनेक्शन नहीं बना रहा किसी के साथ। अगर आप जनरली देखा जाए तो अगर आप नॉर्मल मार्केट में जा रहे हो, अगर आपने सिंपली किसी से कोई एड्रेस पूछना है कि यार वो वाली शॉप पे जाना है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दैट शॉप, तो यार उससे पहले आप ये नहीं पूछोगे कि अच्छा भैया आप कहां से बिलोंग करते हो, मैं तो वहां से बिलोंग करता है, आपने वो शॉप देखी है, कोई बात नहीं, मैं एक सिंपल अजनबी बंदे से क्या पूछूंगा, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दैट शॉप, और वो बंदा मेरे को क्या बोलेगा, गो टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट या गो टू दैट पर्टिकुलर एरिया। तो मतलब एक रिक्वेस्ट आ रही है और वहां से एक रिप्लाई आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्वेरी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। तो ऐसे प्रोटोकॉल जो है वो यूज करते हैं यूडीपी रादर देन टीसीपी। सेकंड इज स्पीड, यस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जहां पे मेरे को स्पीड चाहिए, जहां पे मेरे को हाई स्पीड चाहिए वहां पे मैं यूडीपी को यूज करूंगा, बिकॉज ऑफ द लेस ओवरहेड यूडीपी विल वर्क फास्टर। कौन कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे ऑनलाइन गेम्स अगर मैं यूज कर रहा हूं या फिर वॉइस ओवर आईपी, इन इस एप्लीकेशन में मुझे स्पीड मैटर करती है। यहां पे अगर मैं टीसीपी को यूज करता हूं तो टीसीपी अपने वहां पे यूज करता है फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल में जब एक स्पीड तो वो भी पकड़ता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद वो एकदम से स्पीड उसकी डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है, कि अगर इन केस पैकेट जा रहे हैं, मतलब किसी एक मशीन से दूसरी मशीन पे लगातार पैकेट जा रहे हैं, एक भी पैकेट लॉस हो जाता है तो उस पैकेट को वो दोबारा से रिट्रांसमिट करने की कोशिश करेगा टीसीपी, दोबारा से रिट्रांसमिट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही रिट्रांसमिट करने की कोशिश करेगा, यहां पे मेरे पास स्पीड का जो फैक्टर है वो काम आएगा। तो इसीलिए
हम यहाँ पे यूडीपी यूज करेंगे बिकॉज मेरे को यहाँ पे कोई कंजेशन का कंट्रोल का मेथड नहीं काम कर रहा जो स्पीड को एकदम से डाउन कर जे। वहां पे हम यूज करते हैं AIMD, मतलब एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज, मतलब हम स्पीड को पहले 2 raised to power में एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हैं, फिर जब एक पॉइंट के बाद थ्रेशोल्ड के बाद उस वैल्यू को थ्रेशोल्ड पे जब वो पहुंच जाती है स्पीड को एकदम से नीचे ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्पीड को एक कॉन्टिन्यूस मतलब एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मैं स्पीड मेंटेन करना चाहता हूँ, लेकिन वो स्पीड अगर ऊपर नीचे हुई तो हम यूडीपी को यूज नहीं करेंगे। तो जहां पे मेरे को कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए वहां पे मेरे को कौन सा यूज करना पड़ेगा, यूडीपी, और वो कौन सी है, ऑनलाइन गेम। अदरवाइज क्या होगा, गेम प्ले कर रहे हो, प्ले करते करते कई बार क्या होता है कि गेम जो है वो पॉज हो जाती है 1-2 सेकंड के लिए, इतने में हो सकता है कि आपके प्लेयर जो है उसको गोली मार दी या कुछ भी, जो भी आप पर्टिकुलर गेम वहां पे खेल रहे हो, या आपका प्लेयर आउट हो गया, मतलब अगर हल्का सा भी वहां पे मेरे पास स्पीड का फैक्टर डाउन हो जाता है तो आपका जो है वो गेम का मजा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम जिस इस टाइप की एप्लीकेशन में यूज करेंगे जहां पे मेरे को स्पीड चाहिए, यूडीपी। थर्ड इज ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग यूज करता है, जैसे मैं RIP से बता देता हूं आपको, दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है और हम इसमें यूज करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में होता क्या है, आफ्टर एवरी 30 seconds अ नोड विल शेयर इट्स राउटिंग टेबल टू द नेबरिंग नोड। मतलब एक नोड अपना राउटिंग इंफॉर्मेशन जो है, अपना राउटिंग टेबल जो है वो शेयर करती है अपनी नेबर्स नोड के साथ। मतलब जहां पे हम ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट, मतलब एक बंदा अगर मल्टीपल बंदों को, मल्टीपल वहां पे रिसीवर है उनको अगर डेटा सेंड कर रहा है एक ही बार में, तो अगर मैं यहाँ पे TCP को यूज करूंगा तो आप खुद देख लो कि इस पर्सन को इतने बंदों के साथ कम्युनिकेशन करने से पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश, कनेक्शन एस्टेब्लिश, कनेक्शन 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 कनेक्शन, मतलब कितने कनेक्शन एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है, बफर्स को रखना पड़ेगा, मतलब ये उसको भी बोलेगा कि इतना बफर रख लो, इसको भी बोलेगा, तो यानी कितना बफर तो मेरे को पहले से ही रिजर्व करके रखना पड़ेगा जस्ट फॉर ट्रांसफरिंग वन मैसेज। लेकिन RIP और इसमें हम इतना बेयरअप नहीं कर सकते, हम सिंपली एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, मल्टीकास्ट करना चाहते हैं टू अ ग्रुप, तो उसके लिए हम सिंपली यूज करेंगे UDP को। हम किसी को नहीं बोलेंगे कि बफर को रुको, बफर को रिजर्व करो, बैंडविड्थ को रिजर्व करो, मेमोरी को रिजर्व करो, हम सिंपली डेटा को सेंड कर देंगे टू द लॉट ऑफ पीपल, जिसको हम मल्टीकास्टिंग, मतलब एक सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप को हम सेंड कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट मतलब सभी लोगों को हम, उस हो सकता है उस पूरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं सारे के सारे होस्ट को हम सेंड कर रहे हैं। अगर मैं RIP का एग्जांपल लूं, अगर मैं यहाँ पे UDP को यूज कर रहा हूं तो कोई बफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर मैं TCP को यूज कर रहा हूं, अगर एक क्लाइंट 1 MB का बफर रख रहा है, तो अगर यहाँ पे 1000 क्लाइंट है तो 1000 MB का स्पेस तो पहले ही रखना पड़ेगा मेंटेन करके, उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। सिर्फ कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले इतना कुछ आपको करना पड़ेगा फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस स्ट्रीमिंग। कॉन्टिन्यूस स्ट्रीमिंग मतलब अभी जैसे हमने बात की कि हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्पीड की बात करें, मतलब जो पैकेट्स हैं वो मेरे कॉन्टिन्यूस स्पीड में आते रहे। मतलब जहां पे भी मैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात करूं, जैसे स्काइप या यूट्यूब में, जब आप यूट्यूब में वीडियो देखते हो या स्काइप पे अगर आप वीडियो चैट कर रहे हो, तो वहां पे आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपकी वीडियो जो है वो पॉज हो जाए या आपकी स्ट्रीमिंग जो है वो बंद हो जाए। हमेशा हम क्या करते हैं कि स्ट्रीमिंग बस चलती रहे, मतलब वीडियो चलती रहे, स्ट्रीमिंग उससे कहीं ना कहीं फॉरवर्ड आगे आगे चलती रहे, वीडियो उससे पीछे पीछे चलती रहे। तो उस चीज में हम क्या बोल रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस पैकेट जो है वो स्ट्रीम होते रहे, कॉन्टिन्यूस पैकेट आते रहे, तो UDP जो है वो सपोर्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रीमिंग को। और अगर हम जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि इन केस अगर आप एक YouTube पे वीडियो चला रहे हो HD मोड में, मतलब हाई डेफिनेशन मोड में अगर चला रहे हो, तो हाई डेफिनेशन मोड में स्पीड कम क्यों आती है, बिकॉज हाई डेफिनेशन में अगर एक भी पैकेट, पैकेट में होता क्या पिक्सल्स, अगर एक भी पिक्सल ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, तो TCP रुक जाएगा वहीं पे, वो उसी पिक्सल को रिट्रांसमिट करेगा, उसके बाद वीडियो आगे फॉरवर्ड होगी, मतलब मूव करेगी। तो इसीलिए अगर HD से चलाते हैं तो वो स्पीड जो है वो कम हो जाती है, स्ट्रीमिंग कम हो जाती है। लेकिन अगर हम विदाउट HD चला रहे हैं, तो मतलब हम एक तरह से बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं कि UDP को यूज कर रहे हैं, जहां पे हम
क्लैरिटी के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, हम चाहते हैं कि बस स्पीड फटाफट मेंटेन होती रहे, स्ट्रीमिंग ज्यादा फास्ट चलती रहे। तो उस टाइप की एप्लीकेशंस में है, यानी कि स्काइप या यूट्यूब में हम यूज करना चाहेंगे यूडीपी को रादर देन टीसीपी। अदरवाइज स्काइप में भी क्या होगा, आप वीडियो चैट करते हो, करते करते एकदम से ब्लैक स्क्रीन आ गई, मतलब वो गायब ही हो गया बंदा जो सामने आपसे बात कर रहा है। ऐसा होते ही आपको मतलब एकदम से वरी हो जाता है कि कनेक्शन टूट गया या क्या हुआ। लेकिन यूडीपी जो है इस चीज का पूरा ध्यान रखता है कि क्लैरिटी शायद थोड़ी कम आ जाए, लेकिन आपकी स्पीड जो है वो कॉन्टिन्यूटी जो है वो मेंटेन रहती है बाय यूजिंग द यूडीपी। और लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है, यूडीपी इज अ स्टेटलेस। स्टेटलेस मीन्स दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। स्टेटफुल मीन्स अगर आप एक कनेक्शन बना रहे हो उस कनेक्शन की वैल्यूज को सेव करना, दैट इज अ स्टेटफुल। लेकिन स्टेटलेस मतलब अगर आप हजारों क्लाइंट से कनेक्टेड हो तो आपको स्टेटलेस ही चलना पड़ेगा, बिकॉज अगर इतने बंदों से आप कनेक्ट हो रहे, जैसे अगर सिंपल से एग्जांपल है एचटीटीपी, अगर एचटीटीपी जो है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है वो स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब क्या है, आप दिन में हजारों वेब सर्वर्स ऑन करते हो, वेब सर्वर्स को आप एक्सेस करते हो, तो एचटीटीपी वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं रखता। लेकिन अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजॉन फ्लिपकार्ट हमेशा ही स्टेटफुल चलेगा। आपने जो जो पेज अमेजॉन पे क्लिक किए हैं, जो जो आइटम्स को आपने सेलेक्ट किया है, कहां तक आप गए, मतलब आपने आइटम को सेलेक्ट भी किया, कार्ट में भी डाला, कलर भी चेक किया, साइज भी चेक किया, और जब लास्ट में पेमेंट में आए तो आप वहां पे रुक गए। तो अमेजॉन कीप्स अ ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, और वो फ्लिपकार्ट भी, मतलब ये सारी एप्लीकेशन जो है वो सारी स्टेट फुल पे काम करती है। इसमें कहीं ना कहीं ओवरहेड बढ़ जाती है, लेकिन यूडीपी जो है वो स्टेटलेस है, मतलब ये ओवरहेड जो है वो जितना कम हो सके उतना वो मेंटेन रखती है यूडीपी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ यूडीपी। थैंक यू।